दाल का डिब्बा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेघाली फेवरेट कॉर्नर और मैं हूँ मेघाली। तो आज की वीडियो में मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ और वो रेसिपी है दाल फ्राई। दाल एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसे हम कभी भी बना सकते हैं, पूजा में, ओकेजन्स में या नॉर्मली कभी भी हम इसे बना सकते हैं। और स्पेशली दाल फ्राई सबको बहुत ही पसंद होता है और चावल के साथ, रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छे से मैच होता है। तो आज मैं यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है दाल का एक डिब्बा, मसूर दाल का, ये भी हम यूज करेंगे और दाल फ्राई का रेसिपी अभी स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। अब इन्हें हम एक साथ मिला लेंगे। सभी दाल मैंने 100 ग्राम के हिसाब से लिया है। दाल में प्रोटीन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और डाइटरी फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभी इन्हें अच्छे से वॉश कर ले और 15 या 20 मिनट के लिए सोक करके रख दे। अभी सोक किया हुआ दाल हम कुकर में पकाएंगे। हर एक दाल का टेस्ट अलग है और एक साथ जब ये बनता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। इधर मैं पानी 1 लीटर डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दाल थोड़ा गाढ़ा बने तो पानी थोड़ा कम डालिए 1 लीटर से, और अगर आपको थोड़ा पतला बनाना है तो आप 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लीजिए। अभी मैं इधर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अभी इन्हें हम पकाएंगे। 2 से 3 सीटी आने तक हम वेट करेंगे और उसके बाद दाल अच्छे से पक जाएगा। सिटी भी आ गई है, दाल पक गए हैं, लेकिन इसको अभी खोलना नहीं है, खुद ही ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम काट लेते हैं टमाटर और प्याज। टमाटर और प्याज को हम मीडियम स्क्वायर साइज में काट लेंगे। इस चॉपिंग बोर्ड में कट करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये टमाटर और प्याज बहुत ही अच्छे से कट हो रहे हैं और इस चॉपिंग बोर्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी कम है। अगर आपको इस चॉपिंग बोर्ड की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब तक दाल भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। दाल तो पक गए हैं। अभी मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और जो अनियन हमने चॉप किया था वो डाल देंगे। थोड़ा स्टीर कर ले। अभी डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। अभी इन्हें थोड़ा भून ले। अच्छा, जिस टर्नर से मैं टमाटर और प्याज को स्टीर कर रही हूँ उस टर्नर का नाम है आसाम में खुंटी। टमाटर को थोड़ा मैश कर ले। अब तक टमाटर सॉफ्ट हो गया है। तो ये जो टर्नर है जो आसाम में खुंटी बोलते हैं, ये एक ट्रेडिशनल मेटल है जो आसाम में बनता है कॉपर और टीन को मिक्स करके, और उसका नाम है काहड़। इस मेटल की खास बात यह है कि इस मेटल की कोई भी प्लेट हो या कोई भी बर्तन हो उसमें खाना रखने से खाना जल्दी खराब नहीं होती। अच्छा, अभी इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अभी 1-2 मिनट के लिए स्टीर कर ले। तो ये अच्छे से भून गए हैं और प्याज भी हल्का ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे दाल। तो सारा दाल हम इसमें डाल देंगे। तो हल्का सा मिक्स कर ले। मैं यहाँ खुंती से मिक्स कर रही हूँ, आप वहाँ कोई भी अपने यूटेंसिल से मिक्स कर लें। और ये दाल पकेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। दाल पूरा गल गया है और इसका टेस्ट पूरा इन्हेंस हो चुका है। तो दाल पक गए हैं और मैंने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। अभी एक सर्विंग बाउल में मैं दाल को निकाल लेती हूँ। दाल काफ़ी गर्म है तो मैं बर्तन को कहीं रख के दाल को निकाल लेती हूँ। अभी दाल का जो मेन पार्ट है तड़का लगाना वो बाकी है, तो वो रेडी करते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ अन्वेषण A2 काऊ घी। इस प्रोडक्ट के ऊपर और घी के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था वो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये घी पूरा ख़त्म होने को ही है। 3 टेबल स्पून मैं घी पैन में ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूंगी साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून,
उसके बाद डालूंगी सूखी लाल मिर्च, उसके बाद डालूंगी चॉप गार्लिक लहसुन। मैंने यहाँ हींग नहीं डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और अभी डालेंगे वो पत्ता जिससे दाल की पूरी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है, और वो है करी पत्ता। तो इन्हें अच्छे से भून लीजिए, और एक ही बात ध्यान रखिए कि लहसुन भून के काला ना हो जाए। तो ये रेडी है, और गर्मा गर्म इसे दाल के ऊपर चौंक लगाएंगे। और ये तड़का लग गया है और दाल फ्राई रेडी है। इसे दाल फ्राई या दाल का तड़का भी बोलते हैं। तो मैं इसे गर्मा गर्म खाऊंगी रोटी के साथ। आप चाहे तो रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ईट दिस डिलीशियस दाल तड़का विद सिंपल रोटी। होपफुली ये दाल फ्राई की स्पेशल रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और घर पे आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा। और आज की रेसिपी अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। काफी सारी रेसिपी वीडियो मेरे चैनल में है, आप अपने प्लेलिस्ट में इसे जरूर ऐड करिएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई आइडियाज के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।